तो फ्रेंड्स अभी 1:37 हो रहे हैं और फाइनली लैंड कर चुके हैं सक्सेसफुली। ये देखो नज़ारा, खुला रखिए, हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप जहाँ पे हम मचा रहे होंगे। तो जी, आप लोगों की हाईली डिमांड पे अभी हम फ्लाई करने वाले हैं मुंबई के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे आप लोगों ने डिमांड की थी कि मुंबई के लिए फ़्लाई करके दिखाइए। तो आज हम फाइनली फ्लाई करने वाले हैं मुंबई के लिए और अभी सुबह के टाइम हो रहे हैं 9:53 और जी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे, है ना। और जी आज की अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज जी हम फ्लाई करने वाले हैं टर्मिनल 3 के द्वारा, जो कि अभी जस्ट न्यूली लॉन्च हुआ है, जैसे अभी फिलहाल बन के तैयार हुआ है और सुनने में आया कि भाई वर्ल्ड क्लास का ये टर्मिनल 3 बना है। ठीक, तो अपनी जो फ्लाइट है वो 11:35 पे है अकाशा एयर की। ठीक, तो चलिए चल के दिखाते हैं और भाई भी आज अपने साथ ट्रेवल करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अभी जस्ट पहुंचने ही वाले हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे, तो चलिए चल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले टर्मिनल 3 दिखाएंगे भाई, उसके बाद फिर क्योंकि टर्मिनल 3 की भी अपनी बहुत ज़्यादा क्वेरी आई थी कि टर्मिनल 3 को भी दिखाइए, तो हमने जो फ़्लाइट बुक की है वो टर्मिनल 3 की ही बुक की है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको टर्मिनल 3 का नज़ारा, उसके बाद फिर फ्लाइट का। तो देखो अभी यहाँ पे ये टर्मिनल 3 के लिए इधर से जाना है, टर्मिनल 1-2 का ये गेट है। ठीक, तो अकाशा एयर टर्मिनल 3, देखिए यहाँ पे आप लोग को इस तरीके का ये साइन बोर्ड मिल जाएगा। ठीक, बाकी उधर वाले जो है वो टर्मिनल 2 और 1 के लिए जाती है, तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ख्याल रखना। थोड़ा सा आप लोग को लेफ्ट साइड में ये फ्लाईओवर दिख जाएगा, बाकी आप लोग को वहाँ पे तो बोर्ड लगा दिखेगा ही। ठीक, तो टॉवल छोड़ दिए क्या? टॉवेल एंड चड्डी बनियान, ये ठीक टॉवेल छोड़ दिया था हमने। हाँ, लेबर का चलते। अरे तो टॉवेल लेबर के चक्कर में, अरे यार खाली है भाई टर्मिनल 3, तब तो जल्दी हो जाएगा। तो भाई जस्ट पहुंचने वाले हैं टर्मिनल 3 पे। ओ माय गॉड, देखो तो सही कितना ही शानदार लुक आ रहा है और हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा अभी पैसेंजर हैं, तो अपनी जो चेकिंग वगैरह है ना वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। वैसे भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहे हैं, 2 घंटे पहले आना चाहिए बट 1 घंटे पहले आ रहे हैं। ये देखिए अकाशा एयर ऑल फ्लाइट्स एंट्री गेट नंबर 2। सो फ्रेंड्स अभी 10:02 हो रहा है और फाइनली हम टर्मिनल 3 पर पहुंच चुके हैं। बोर्डिंग टाइम भाई 10:30 ही है, तो फटाफट चलते हैं और चेकिंग वगैरह कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं ना। तो आप देखो यहाँ पे ये जो प्रस्थांगनम लिखा है यानी कि डिपार्चर, यहाँ से आप लोग को एंट्री करनी है। ठीक, तो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को अपना जीमेल पे जो टिकट आया रहेगा ना उसको दिखाना है, साथ ही जो एक ओरिजिनल आधार कार्ड या फिर जो भी कोई आईडी प्रूफ है वो आपको दिखाकर यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर सबसे पहले एंट्री कर जाना है। ठीक, और यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन वगैरह लगी रहेगी, साथ ही इधर की साइड आप लोग को खाने पीने के लिए शॉप वगैरह मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ आप देखिए और भी कई सारे डिपार्चर गेट हैं कि तो कुछ इस तरीके से आप लोग को वो भाई साहब। सो फ्रेंड्स अभी 10:08 हो रहे हैं और फाइनली अपनी एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल 3 के अंदर एंट्री हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले आप लोग को एयरपोर्ट के जो बाहरी ने आप लोग को अपना आईडी, मैंने आपको बताया अपना एक कोई भी आईडी प्रूफ और
अपना जो ऑनलाइन टिकट है ना वो आपको दिखाना है, देन यहाँ से आपको ऑटोमेटिक गेट से अंदर आ जाना है। और आपको दिखाते हैं भाई नज़ारा यहाँ का एयरपोर्ट के अंदर का, ये देखो क्या एक खूबसूरत वर्ल्ड क्लास का बनाया गया है ना। अभी चलिए आपको पूरा फुल टूर कराएंगे, वैसे टाइम तो थोड़ा सा कम है बट फिर भी आप लोग को जितना टाइम है उतने में अच्छे से दिखा देंगे। तो देखो आप जैसे आप लोग एंट्री करोगे ना, आप लोग को सामने की साइड ही यहाँ पे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए चेक इन काउंटर 36 से लेकर 54 तक, ये है जी डोमेस्टिक, और ये 59 to 76 है ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेक है, ठीक। तो इधर आप लोग को इंटरनेशनल के लिए जाना है इस साइड आपके राइट हैंड साइड पे, और आपके ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है यहाँ पे ये डोमेस्टिक सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह, यानी कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए आप लोग को निकलना है, ठीक। तो यहाँ तो अभी फ़िलहाल के लिए टर्मिनल 3 से सिर्फ अकासा की ही फ़्लाइट चल रही है। तो अगर बाद में कभी अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग को खोजना पड़ेगा कि भाई जैसे कि इंडिगो वगैरह चलने लगी, एयर एशिया वगैरह चलने लगी, तो आपको खोजना पड़ेगा कि आपके फ़्लाइट का यानी कि आपके एयरलाइंस का काउंटर किधर है। बट अभी फ़िलहाल तो ये सारा ही जो है वो अकासा का ही है, ठीक। तो चलिए चलते हैं और चेक इन कराते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी फाइनली हमें अपना ये फिजिकल बोर्डिंग पास मिल चुका है, और इसी पे आप लोग को गेट नंबर वगैरह लिखा मिल जाएगा, साथ ही काउंटर पे ही आप लोग को बताया जाएगा किस गेट से आप लोग को एंट्री करनी है, ठीक। और एक चीज़ और कि जब यहाँ पे आप लोग चेक इन काउंटर पे जाओगे तो आपको अपना जो ईमेल पे जो टिकट आया रहेगा उसको दिखाना रहेगा, साथ ही आपको अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ कोई दिखाना है, इसके बाद फिर आपको ये अपना बोर्डिंग पास मिल जाएगा। देन आप लोग को गेट बता दिया जाएगा किधर से जाना है, तो वैसे हमारा गेट इस साइड है, गेट नंबर 17 से, ठीक। अगर इसके साथ ही अगर आप लोग के पास चेक इन बैग कोई है तो यहीं पे आप लोग का डिपॉजिट भी हो जाएगा, ठीक। बोर्डिंग पास लेने के बाद अब आप लोग को चलना है सामने की साइड, यानी कि जो भी आपका गेट नंबर होगा ना उधर की साइड आपको चलकर अपना सबसे पहले सिक्योरिटी चेकिंग करा लेनी है, ठीक। तो चलिए चलते हैं, और सिक्योरिटी चेकिंग पे तो वीडियो अलाउड नहीं है, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। भाई फाइनली 10:28 हो गया है, और फाइनली सिक्योरिटी चेकिंग करा कर अभी हम जस्ट आ ही रहे हैं। ओ भाई साहब, ये तो नज़ारा देख लो, कितना ही खूबसूरत अभी सजाया गया है ना। इधर की साइड देखो, जैसे आप लोग सिक्योरिटी चेकिंग करा के आओगे ना, अंदर की साइड आप लोग को भी वॉशरूम वगैरह मिल जाएंगे, साथ ही इधर आप लोग को ढेर सारे शॉप वगैरह मिल जाएंगे, साथ ही एयरपोर्ट लॉन्च भी आपको मिल जाएगा। तो उधर अगर आप लोग के पास टाइम, अभी तो टाइम ही नहीं बने तो जाता आपको सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे, बट हो नहीं पा रहा क्योंकि ऑलरेडी 10:31 हो रहा है, और जो बोर्डिंग टाइम है वो 10:35 है। साथ ही यहाँ पर रेस्ट करने वगैरह के लिए भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक। तो चलो फटाफट चलते हैं, बोर्डिंग कराते हैं, फिर कभी आप लोग को दिखाएंगे, वैसे भी इतना दिखा रहे हैं काफ़ी। तो देखिए इस साइड से आप आओगे, इधर साइड ढेर सारी शॉप वगैरह जहाँ पे आप लोगों के पास अगर पैसा है तो यहाँ पे आप उड़ा सकते हो, ठीक। ये देख लो ये, एंड अब हमें चलना है इधर बोर्डिंग के लिए। तो जी ये है स्टेप नंबर 6 बोर्डिंग का, और इधर लखनऊ की जो भी फेमस चीज़ें हैं उनका यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग वगैरह दिख रही है। प्रेयर रूम, ओ माय गॉड, द प्रेयर रूम भी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है गेट 14 to 19, ठीक। तो इधर हमें सीधे चलना है बोर्डिंग के लिए, और ये देखिए भाई पीने वालों के लिए, ठीक। अब हम चलते हैं बोर्डिंग के लिए। तो यहाँ से देखिए ये 14, 15 ये है, इसके बाद फिर इधर की साइड ये 16 to 19 है, तो आई थिंक अपना 17 जो है 17 बीच में ही होगा। और इधर भी आप लोग को टॉयलेट वगैरह मिल जाएंगे, ये चेयर्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोग रेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो जी फाइनली अपना बोर्डिंग गेट मिल चुका है, 10:33 हो रहा है, जस्ट 2 और बचे हैं बोर्डिंग के, ठीक। 10:35 था, 10:33 पर हम फाइनली पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, अब हम भी यहाँ पर बैठते हैं, अब देखते हैं क्या सिस्टम है। एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा चार्जर, अगर आप लोग चार्ज करना चाहते हो तो उधर ही बैठ लेते हैं। देखो यहाँ से आप लोग मोबाइल वगैरह अपना चार्ज कर सकते हो।
जी ये रहा इसका टॉयलेट, बेहद नीट एंड क्लीन, ठीक टर्मिनल थ्री का। और एक चीज़ और कि अभी यहाँ पे लॉन्च ओपन नहीं हुआ है, ठीक जो शॉप वगैरह है नीचे की साइड वहाँ पे आप लोग को खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, बट एक चीज़ है कि भाई कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक। तो जब कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर क्या कहें का लॉन्च, शायद अपनी फ़्लाइट अभी आने वाली, अभी थोड़ा सा लेट चल रहा है, 10:35 बोर्डिंग टाइम तो था बट अभी 10:38 अब भागे भागे आए यार, कम से कम ऑन टाइम तो करना चाहिए। सो फ्रेंड्स अभी 10:48 हो रहे हैं, फाइनली अपनी फ़्लाइट ये देखिए अकासा एयर की आ चुकी है, तो अब थोड़ी देर में ही अपना बोर्डिंग हो जाएगा। Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखना, जब बोर्डिंग होगा ना तो आपके बोर्डिंग जोन के हिसाब से बुलाया जाएगा, तो अपना जो बोर्डिंग जोन है वो 1 है, ठीक। तो बोर्डिंग अभी चल रही है बोर्डिंग 3 की, इसके बाद 2 की चलेगी, फिर उसके बाद 1 की चलेगी, उसके बाद फिर सीट नंबर के हिसाब से अपने को बुलाया जाएगा, ठीक। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जब बोर्डिंग होगी ना तो यहाँ पर आप लोग को बोर्डिंग जोन के हिसाब से ये मैडम रहेंगी, वो आपको बुलाएंगी, ठीक। तो फ्रेंड्स अभी 11:08 हो रहे हैं और फाइनली अपनी बोर्डिंग हो चुकी है। देखिए बोर्डिंग कराने के बाद आपको इस गेट से बाहर निकलना है, ठीक। बेसिकली बोर्डिंग में आपका जो ये QR कोड है ना उसको ही चेक किया गया, इसके बाद फिर आपको इससे चलना है फ्लाइट तक। भाई अभी तक तो अपनी छोटी फ्लाइट हुआ है 90। तो देखिए इसी गैलरी से होते हुए अब फाइनली थोड़ा दूर और रह गया है, अभी फ्लाइट के अंदर एंटर कर जाएंगे, है ना। और ये देखो यहाँ खड़ी रही अपनी फ्लाइट, और भी जो फ्लाइट है इधर की साइड खड़ी है, भाई मज़ा जस्ट आने वाला है, थोड़ा सा और वेट करना है। सो फ्रेंड्स अभी 11:28 हो रहे हैं, फाइनली अभी अपनी सीट मिल चुकी है। वैसे तो अपनी सीट थी 7F, तो बट यार फर्स्ट टाइम ही फ्लाइट में बैठ रहे हैं और फर्स्ट टाइम ही हमें थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि इधर जो अपना सीट था ना उस पर कुछ दादा दादी अगर बैठे हैं ना तो दादा दादी के लिए हमने कुर्बानी दे दी, ठीक। वैसे जो अपना विंडो सीट था उसके लिए हमने विंडो सीट ही लिया है ना, बट ठीक है चलता है यार, अभी ओल्ड एज के हैं तो थोड़ा सा इतना तो बनता है, ठीक। बाकी अपना विंडो सीट के बदले विंडो सीट मिल गया है, इतना तो ठीक है, चलो कोई नहीं। अभी आई थिंक 11:35 की है तो 5-7 और रह गए हैं, ठीक। ये देखिए कुछ इस तरीके का आप लोग को लुक मिल जाएगा, सीट वगैरह का दोनों साइड आप लोग को 3x3 का दोनों साइड आप लोग को 3x3 का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, ठीक। तो जी भी 11:30 हो रहे हैं और फाइनली अपनी प्लेन रनवे के लिए निकल चुकी है ना भाई। थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि अभी हमने तो वो फ्लाई भी किया एयरक्राफ्ट में ट्रेवल किया है, बट उसमें जो एक बार ट्रेवल कर लिया तो आई थिंक वो किसी भी प्लेन में ट्रेवल कर सकता है, बट फिर भी फर्स्ट टाइम रहता है तो थोड़ा सा लगता है ना। साथ लाए हुए सामान को ऊपरी सामान कक्ष में या सामने वाली कुर्सी के नीचे रखिए, कुर्सी की पेटी बांध ले, ट्रे टेबल बंद कर ले, कुर्सी सीधी रखे और विंडो शेड खुला रखे। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं, धन्यवाद। You don't see the things I see, I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you can do it.
अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिल जाती हैं प्लेन के अंदर। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को सीट बेल्ट लगा लेना है, ठीक। एंड सामने की साइड आप लोग को आपके सीट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, कुछ पेपर्स रहेंगे। इसमें आप लोग को पहला है कासा के बारे में बताया गया है, दूसरा है ये सुरक्षा निर्देश, बाकी इसका है ये कैफे अकाशा। एंड ये देखिए अगर आप लोग इसको ओपन करना चाहते हो तो ये ओपन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। पीछे से आप लोग को इसको, अगर आप लोग कुछ खाना पीना चाहते हो ना, तो इसको आप लोग को ऐसे घुमाना है, ठीक। जैसे आप घुमाओगे ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी रखकर खा भी सकते हो, ठीक। ये देखिए सोचे ना मौसम खराब, तो आज अपने पहले फ्लाइट फटने वाले प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है कि मौसम ख़राब होने की वजह से कुर्सी की पेटी एक बार फिर से बांध लीजिए, ठीक। अब सामने का बादल का नज़ारा आपको दिखाते हैं, दिखाएं, चलिए आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कभी मतलब कुछ खाना पीना हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा ये कैफ़े अकाशा, जहाँ पे आप लोग को पानी से लेकर जो भी चीज़ें इस मेनू में लिखी रहती है ना, ये जो मेनू है, इस मेनू में जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग को मिल जाएंगी इस कैफ़े अकाशा में। देखिए एक इधर रह है और साइड में मिल जाएगा ये कैफ़े अकाशा, ये देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी हमने ये ऑरेंज जूस ले लिया है जो कि पड़ा है अपने को 100 रुपीज़, ठीक। तो अभी इसको पीते हैं। अब आपको बारी है दिखाने की कि भाई टॉयलेट कैसे है ना। तो देखो भाई कुछ इस तरह का टॉयलेट मिल जाता है, इस सीट को आपको उठा कर टॉयलेट करना है। एंड यहाँ पे आप लोग को फ्लश लिखा है, यहाँ पे फ्लश एक बार प्रेस करना है, ये फ्लश हो जाएगा, ठीक है। एंड ये देखिए ये वॉश बेसिन आपको कुछ छोटा सा मिल जाता है, इधर साइड आपको तो पेपर लेकर यूज़ करके आप लोग को इधर साइड आप लोग को रखना है, ठीक। ये हो गया जी पूरा छोटा सा टॉयलेट और छोटा सा वॉशरूम रहता है। एक चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, जब भी आप जब वॉशरूम करने के बाद मतलब टॉयलेट वॉयलेट करने के बाद फ्लश करोगे ना, तो तेज़ी से आवाज़ आएगी, तो उससे आप लोग को डरना नहीं है, ठीक। मैं तो पहली बार था तो थोड़ा सा डर गया, बाकी हाँ जब टेक ऑफ करेगी तो थोड़ी सी आप लोग को कान वगैरह में दिक्कत होगी। अब लैंडिंग के समय आपको देख बताते हैं क्या होता है, ठीक। बच्चर 16 मिनट हो रहे हैं और फाइनली लैंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक। तो लैंडिंग वाले प्रोसेस में आपकी तबीयत तक फटी है, देखते हैं बड़े और प्लेन में कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है, ठीक। तो जैसे ही लैंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला रहेगा ना, स्टार्ट हो चुका है, वैसे ही मतलब अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि सीट बेल्ट वगैरह अगर नहीं बांधा है तो बांधे दे दीजिए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह बंद कर दीजिए, मोबाइल अपना फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी 1:37 हो रहे हैं और फाइनली लैंड कर चुके हैं सक्सेसफुली, है ना। और बहुत ही अच्छा लगा, और बाकी अभी चल के आपको टर्मिनल वाल दिखाते हुए एग्जिट करेंगे, ठीक। मज़ा आ गया भाई।
जो लैंडिंग प्रोसेस ना वो बहुत ही किलर था, क्योंकि जो कान दर्द वगैरह वो सब आप तो भूल जाओगे भाई जब आप बाहर विंडो सीट अगर लिए रहोगे तो, अगर बाकी इधर उधर वाला तो शायद आपको दिक्कत हो क्योंकि आप अपने परेशानियों में ही जूझे रहोगे, लेकिन जब आप विंडो सीट पर रहोगे ना तो परेशानियाँ आप भूल जाओगे, प्रॉब्लम भूल जाओगे, कि जो नज़ारा बाहर का रहेगा वो बिल्कुल औसम है यार, वो मंत्रमुग्ध कर देगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो बस अब निकलते हैं। तो अभी देखिए ये बस आ चुकी है, इसमें हम लोग को बैठकर ये टर्मिनल वन के पास छोड़ देगी, मतलब एग्जिट गेट पर छोड़ेगी। तो फ्रेंड्स अभी देखो पूरा पूछे पूरा पैसेंजर निकल चुके हैं और अभी हम भी निकल रहे हैं, क्रू का नहीं ले रहे हैं, अपना ही बस ले रहे हैं। थैंक यू। चलो उसके भाई साहब गर्मी मुंबई की बाप रे, हालत खराब हो गई यार। चलो साहब जाएगा आपको बस, इधर से आपको चलना है। चलो जी फाइनली पहुंच गए एग्जिट गेट पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वन। तो अभी मैं मुंबई ये सेकंड टाइम आया हूँ, एक बार और बहुत पहले आया था, मतलब जब ब्लॉगिंग वॉगिंग नहीं करता पढ़ता था तब, तब पढ़ता था तब आया था, अब ये सेकंड टाइम आया। तो ये रहा जी इसका एग्जिट गेट। चलो फाइनली एग्जिट कर लेते हैं और क्या। तो फ्रेंड्स अभी 2:04 हो रहे हैं, फाइनली अभी हम एग्जिट कर चुके हैं और अब फाइनली अपना मतलब जो फाइनल एक्सपीरियंस है ना वो आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो मतलब मिला जुला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अपना, फर्स्ट टाइम मतलब जो फ्लाइट में बैठे बड़ी वाली, अगर आप लोग उसमें से यानी कि जो फ्लाई भी की एयरक्राफ्ट चलती है लखनऊ टू आजमगढ़ और आजमगढ़ टू लखनऊ ना, अगर आप लोग उसमें बैठ के आते हो तो इसमें आप लोग को बिल्कुल कुछ महसूस ही नहीं होगा कि कब लैंड कर गया कब टेक ऑफ कर गया, और बस थोड़ा सा आपका कान बंद होगा और खुलेगा बस, और उससे ज़्यादा कुछ लगेगा ही नहीं भाई। सच में वो राहुल ने सच कहा था कि तुम पहले से ही मतलब खतरों से खेल करा रहे हो, जाओ कुछ भी फील नहीं होगा, अपने कुछ फील ही नहीं हुआ यार सच बताऊँ तो। चलो अब कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं, अब आज का ब्लॉग सोच रहे हैं यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी हाँ लैंडिंग प्रोसेस में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बहुत माइनर सा लगेगा कि आपका कान वगैरह बंद हो रहा है, बाकी थोड़ा सा प्लेन जब हिलती है लैंडिंग प्रोसेस में तब थोड़ा सा डर लगेगा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसका लैंडिंग प्रोसेस इतना बेहतरीन है ना, बाहर का सीनरी आप देखो इंजॉय करो विंडो सीट लेकर, यार क्यों आप मतलब फालतू के पछड़े में कान दर्द दर्द में पड़े रहोगे। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो पता ही क्या करना है, वीडियो कर देना लाइक, अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट वारा राइडर।